हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। गुड इवनिंग। नींद का प्रभाव देख रहे हो आप, ठीक है। नींद का ज़बरदस्त प्रभाव जो है आपको मेरे पे देखने को मिल रहा होगा कि मैं गुड इवनिंग को गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ, इस तरीके से नींद मेरे पे हावी है। सो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। गुड इवनिंग, आलस इतना भरा पड़ा है कि मैं आपका नाम भी नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। दीदार प्रीत, तेजस्वी, सुष्मिता, आशुतोष, प्राची, अम्बीश, तेजस्वी, वंश, विपुल, सुप्रिया, अंजलि, मिनी, आदित्य, अम्बीश, बहुत बढ़िया, शानदार। हिमानी, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, इंडियन ज्योग्राफी, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा के बारे में पढ़ेंगे। और हो सका तो आज ही ब्रह्मपुत्र को भी चटका देंगे, ठीक है। इसी क्लास में हो सका तो ब्रह्मपुत्र भी चटका देंगे हम, है ना। कुछ ज़्यादा है नहीं, नदियों के अंदर सिंपल सी बात है, कहाँ से निकली, कहाँ से गई, ये सब चीज़ें पढ़नी होती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, रिवर का कोर्स क्या है, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। रिवर कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बाकी तो ऐसे ही है सब, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, छोटी मोटी चुरकुट बातें हैं जिनका कोई काम नहीं है। गंगा रिवर सिस्टम, दिस इज मी सुमित कुमार राठी, आप मेरे साथ हैं दोस्तों इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पे। एक बात और बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं ये चार चैनल हैं जिनके माध्यम से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं। ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। आप सभी प्यारे प्यारे छात्रों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन चारों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरे साथ ऐप पे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मुझे सुमित कुमार के नाम से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? फॉलो। एक बार जब आप मुझे फॉलो कर लोगे उसके बाद कोई भी क्विज आप करो या कोई भी स्पेशल क्लास आप करो या कोई भी प्लस कोर्स आप करो, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सुमित10। मेरा प्लस कोर्स आ रहा है दोस्तों, पहला तो 11th ऑफ अप्रैल से आ रहा है, ठीक है, 11 अप्रैल से, क्योंकि मैं इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स लेके आ रहा हूँ। और 13 अप्रैल जो है, ये डेट यार याद कर लो अभी से, यहाँ पे हमारा आ रहा है गुरुकुल, ठीक है। सो बहुत कम दिन बचे हैं, जिन बच्चों को ज्वाइन करना है आइए दोस्तों हमारे साथ जुड़िए बाय यूजिंग द कोड सुमित10। सुमित10 मेरा कोड है, इस कोड को आप यूज करेंगे 10% डिस्काउंट निश्चित है। आज मैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूँ, गंगा नदी के बारे में, ठीक है। सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं गंगा नदी। सबसे पहले बात करेंगे इसका माउथ, सोर्स क्या है, और दूसरा इसका माउथ कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके ड्रेन होती है। तो ये गंगोत्री नामक एक ग्लेशियर है गोमुख के पास, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से निकलती है, ठीक है। जहाँ से निकलती है मेन रिवर उसको मानते हैं हम भागीरथी, और दूसरी ओर से अलखनंदा आके इसमें मिलती है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर ये देवप्रयाग नामक जगह पे मिलती हैं, फिर ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। मैं आपको बताऊंगा इस गंगा नदी का कोर्स क्या है और बीच में कौन कौन सी नदी इसके साथ जुड़ती है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमारी बातचीत जो होगी वो होगी गंगा नदी के बारे में, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से चलती है, दोबारा देखोगे, चलो दोबारा चलाते हैं। देखो इस प्रकार से गंगा नदी जो है वो हमारी इस प्रकार से बहती है। इस गंगा नदी के अंदर में अगर मैं सोर्स की बात करूं तो गंगोत्री नामक ग्लेशियर है जहां से नदी उत्पन्न होती है, और अगर मैं गिरने की बात करूं तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लेकिन बीच में बहुत सारी नदियां हैं जो इसको ज्वाइन करती है, जिनको हम इसकी ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां। अब नदी की डायरेक्शन इधर है, तो जो इधर से मिलेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी, जो इधर से मिलेंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट मतलब दाएं ओर से, लेफ्ट मतलब बाएं ओर से, और राइट मतलब दाहिने ओर से। तो लेफ्ट से कौन मिलती है, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राम गंगा, गंगा की भाईली है जिसका नाम है राम गंगा, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट से आके मिलती है। नीचे मैंने एनिमेशन में गलत दिखा दिया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गोमती, गोमती भी वही है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आफ्टर गोमती विल टॉक अबाउट आपका कौन सी है दोस्तों, ये घाघरा। अब ये मत कहना सर हिंदी में लिख दो इनको, ठीक है, ये मत कहना प्लीज़ हिंदी में लिख दो। सो राम गंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद में घाघरा, घाघरा के बाद अगर हम करते हैं तो घाघरा के बाद है चोली, उसके बाद है आँख मिचोली। सो राम गंगा, गोमती, घाघरा, उसके बाद है गंडक, गंडक के बाद है कोसी, ठीक है, और कोसी के बाद है दोस्तों महानंदा। ये कुछ नदियां हैं दोस्तों, ये कुछ नदियां हैं जो इससे लेफ्ट से आके मिलती है। नदी ऐसे बह रही है, मैं नदी हूं, मैं ऐसे बह रही हूं, तो लेफ्ट से मिल रही तो मेरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी, है ना। सो दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो अपनी कॉपी में लिख लेना, इसको नोट कर लेना कि लेफ्ट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो लेफ्ट से मिलती है राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा।
अब बात करते हैं राइट बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट जो है राइट बैंक वो है यमुना नदी। एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां जिसको हम कहते हैं, उसमें यमुना का नाम तो प्रोमिनेंट है, सब लोग जानते हैं। आफ्टर यमुना वी हैव हियर सोन, सोन के बाद में यहां पर मैं बात करूं तो दामोदर। तो राइट से तीन नदियां इंपॉर्टेंट है, यमुना, सोन एंड दामोदर। लेफ्ट से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। गंडा, कोशी और घाघरा जो है, गोमती, ये कुछ बड़ी नदियां हैं, सबके बारे में बताऊंगा आपको एक एक करके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से जो आपको क्या ध्यान में रखना है, यहां से आपको ध्यान में रखना है कि राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, साथ ही साथ में रिवर जो है कहां से ओरिजिनेट होती है। ये बात अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में एक बार ओके की रिपोर्ट लिख दो, अगर नहीं आई तो ठीक है वो भी लिख दो कि भाई नहीं आई सर हमें समझ में, ठीक है। सो फिर उसी हिसाब से हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट है, नहीं आई तो भी लिखोगे कि सर ओके की रिपोर्ट नहीं है, देखते हैं आप क्या लिखते हो आप। चलिए गुड, अगली बात पे मूव करते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट बैंक, ये होगी राइट बैंक। अब बात जो होगी दोस्तों वो गंगा नदी के सिस्टम की होगी। देखो गंगा नदी सिस्टम जो है ना, अगर आप बात करोगे तो ये भारत के अंदर में नदियों में, थोड़ी एनर्जी डाउन है यार, है ना, क्या ना, मैंने अभी भी जस्ट खाना खाया तो मेरे को आ रही नींद, मैं थका थक गया हूँ आज, ठीक है। तो नींद की वजह से आजकल यार जिम विम जाता नहीं हूँ ना, तो जिम ना जाने की वजह से ना थकावट रहती है, पूरे दिन इतना काम भी नहीं करता लेकिन फिर भी थका रहता हूँ, जस्ट बिकॉज कि कोई वर्कआउट का रूटीन नहीं है, ऑपरेशन के बाद में वर्कआउट किया ही नहीं है। मैं सोचता रहता हूँ रोज़ रोज़ जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा, बट फिर हो ही नहीं पाता यार, कुछ ना कुछ काम करने लग जाता हूँ और फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं, फिर नहीं जाया जाता। आज भी सेम हुआ। देखो गंगा नदी जो है ना वो भारत की रिवर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा भाग है। भारत का अगर कुल एरिया अगर आप बात करते हो तो लगभग लगभग 26.5% भाग जो है ना वो इस नदी के द्वारा और इस नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा कवर किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 10 राज्यों से जो है इसका, इस नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कम से कम 10 जो है आपका नदियों राज्यों से होके जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, 26.5% भारत का टोटल भौगोलिक क्षेत्र इस रिवर के अंडर में आता है, 10 राज्यों से ये नदी निकलती है। तो भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज एरिया है इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर फैली हुई नदी है। इस नदी की जो शुरुआत है वो गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर है आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये नदी गंगोत्री नामक ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। जब ये नदी उत्पन्न होती है उस समय इसका नाम होता है भागीरथी, तो भागीरथी नाम से उत्पन्न होती है। दूसरी ओर से अलकनंदा नदी मिलती है इससे, जैसे यहाँ से भागीरथी आ रही है ऊपर से अलकनंदा आती है, और जहाँ पर ये मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग, और उसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है गंगा। यहाँ पर है भागीरथी और यहाँ पर क्या है अलकनंदा, ये बात समझ में आई। अच्छा ऐसे ना पांच प्रयाग भी बनते हैं गंगा नदी में ना, देर आर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रयाग, पांच प्रयाग बनते हैं जिसको हम पंच प्रयाग भी कहते हैं, वो पंच प्रयाग भी आपको समझने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा, यहाँ पे यही सब है। गंगा लार्जेस्ट सिस्टम है, 26.5% ज्योग्राफिकल एरिया में फैली है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, देवप्रयाग में जाकर ये भागीरथी से मिल जाती है, भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है, और उसके बाद में ही हम इसको गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आप गंगा नदी देख रहे हो, ठीक है, दिस इज रिवर गंगा, तो यहाँ पर देखो ये भागीरथी है, ये आपकी अलकनंदा है, दोनों मिली देवप्रयाग पे और यहाँ से गंगा के रूप में जानी जाती है। तो ये गंगा नदी के रूप में देखो ये आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ नदी मिल रही है, देखो इधर अगर मैं बात करूँ तो नीचे से ये यमुना होगी, यहाँ से यमुना मिली, यमुना के बाद ये सोन है, और सोन के बाद अगर मैं तीसरी बात करूँ तो एक चुरकुट सी नदी और है, दैट रिवर इज नोन एज दामोदर रिवर, ठीक है। वो नदी कौन सी है आपकी, दामोदर। सो ये नदियाँ जो है इससे मिलती हैं, बाकी सब बकवास है, ये तीन नदियाँ आपकी खास है। ऊपर भी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी नदियाँ, जैसे घाघरा ये होगी, गंडक ये होगी, कोशी ये होगी, तीन ही नदी इसमें दिखी है, बाकी और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इससे मिलती हैं आपके। तो भारत का सबसे बड़ा ये क्या है, ड्रेनेज बेसिन है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो गंगा नदी प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, ये भारत के कुल क्षेत्र का 26.5% एरिया है, 10 राज्यों में से गुजरती है, भागीरथी के रूप में इसका उद्गम होता है, बाद में यही भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा के रूप में जानी जाती है। रिवर कोर्स क्या है सर, कैसे उत्पन्न होकर कहाँ जाती है, देखो सबसे पहली बात तो हमें समझ में आ गई कि उत्पन्न होगी गंगोत्री नामक ग्लेशियर से, भागीरथी के नाम से, ठीक है,
भागीरथी के नाम से ओरिजिनेट हो गई। भागीरथी के बाद में अगर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, तो इधर से आ गई अलकनंदा, ये मिल गई। उसके बाद दोस्तों ये आपका दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, उसके बाद देखो ये साउथ की ओर मुड़ जाती है एंड फिर साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है, ऐसे, और फिर ये वेस्ट ईस्टर्न साइड में ऐसे 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 जाके एंड ये फाइनली आपका जाकर यहाँ पर ड्रेन कर जाती है, जहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी। ये इसका डेवर कोर्स है। बीच में प्रोमिनेंट नदी कौन सी है, अलाहाबाद, ठीक है, अलाहाबाद में मिलती है, जिसको हम प्रयाग राज बोलते हैं। तो ये मुख्यतः नदी जो है हरिद्वार में प्लेन एरिया में एंटर करती है, उससे पहले ये माउंटेनस एरिया में होती है। यहां से दोस्तों ये दक्षिण की ओर बहती दिख रहा है, इट फ्लो टुवर्ड साउथ, पहले दक्षिण की ओर बहती है, फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, और फिर इलाहाबाद पहुंच के ये यमुना नदी से मिलके फिर ये पूरा पूर्व की दिशा में आपका ऐसे बहने लग जाती है, ईस्ट डायरेक्शन में। जब ये राजमहल की पहाड़ी के पास पहुंचती है तो नदी दो भागों में बढ़ जाती है दोस्तों। एक भाग को कहते हैं भागीरथी और हुगली, एक ही नाम है, भागीरथी या हुगली, सुगली नहीं, हुगली, हुगली, सुगली समझ रहे हो तुम, हुगली नदी और भागीरथी, इसको पश्चिम बंगाल में कहते हैं। और दूसरा भाग इसका चला जाता है कहां पर दोस्तों, पद्मा, जिसको हम बांग्लादेश में जानते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं। ये नदी निकल गई अपनी गंगा, कहां से निकली, गंगोत्री, गंगोत्री से निकली भागीरथी के रूप में, इधर से अलकनंदा मिली, मिलके ये क्या फैलाई, गंगा, गंगा के बाद ये थोड़ी नीचे चली साउथ की तरफ, उसके बाद ये साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ गई, साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ती गई, आगे चलती गई, फिर यमुना नदी से मिली, यमुना नदी से मिलने के बाद में ये थोड़ा सा ईस्ट में चली और फिर ये साउथ की तरफ मुड़ गई। ये इसका कोर्स है, बट तुमसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, कि कब कहाँ मुड़ी, कैसे मुड़ी है। गंगा नदी प्लेन मैदान में कहाँ एंटर करती है दोस्तों, ये बात याद रखना, हरिद्वार के प्लेन के अंदर, हरिद्वार के अंदर में पहली बार नदी प्लेन एरिया में एंटर करती है, प्लेन एरिया में प्रवेश करती है, और उसके बाद जो है नदी बहती है। ये नदी जो है यमुना नदी से देवप्रयाग नामक देवप्रयाग कह रहा हूँ, प्रयागराज नामक जगह, इलाहाबाद जिसको हम बोलते थे पहले, आज प्रयागराज बोलते हैं, वहाँ मिलती है। फरक्का बैरेज के पार करने के बाद राजमहल की पहाड़ी के पास ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक भाग चला जाता है बांग्लादेश में और दूसरा भाग चला जाता है कहाँ पर, वो इंडिया, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में रहता है। जो वेस्ट बंगाल वाला भाग है ना, उसको हम बोलते हैं भागीरथी या हुगली, और जो दूसरा वाला भाग चला गया बांग्लादेश में, उसको कहते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। अब ये जो बांग्लादेश में चला गया ना पद्मा, इसी से बाद में आके ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, और फिर दोनों के कंबाइंड वाटर को बोलते हैं मेघना, और वो मेघना जो है कंबाइंड वाटर गंगा एंड यमुना, वो जाके गिरता है बंगाल की खाड़ी में नियर सागर आइलैंड। याद करो, सागर आइलैंड जो होता है एक आइलैंड था, ऑफशोर आइलैंड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया जब मैंने आइलैंड पढ़ाया था, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ याद होगा, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। सो ये पूरा नदी का क्या है दोस्तों, कोर्स है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो देखो है नहीं, ठीक है, समझ में आ गया तो भी अच्छा है, नहीं आया तो कौन सा मतलब वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला यहाँ से आई आपका भागीरथी, यहाँ से आई अलकनंदा, मिल गई, उसके बाद बनी गंगा, गंगा नदी ऐसे गई चली 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 चली, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये मिल गई इससे क्या यमुना, आगे चली दोस्तों, आगे चली यहाँ पर फरक्का बैरेज के पास जाकर ये दो भागों में बट गई, एक भाग जो था वो चला गया बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, सॉरी वेस्ट बंगाल के अंदर, और दूसरा चला गया बांग्लादेश। जो बांग्लादेश में गया उस भाग का नाम था पद्मा, और जो इधर रहा उसका नाम क्या था दोस्तों, हुगली, ठीक है, हुगली, हुगली कह दो या भागीरथी कह दो। इस पद्मा वाले के साथ में बाद में आके ब्रह्मपुत्र मिल गई, और फिर ये नदी कहलाई दोस्तों क्या, मेघना, और ये मेघना नदी जाकर फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिरती है नियर सागर आइलैंड। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? ये बात क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ओके की रिपोर्ट कर दो यार, अगर ये क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिख दो। देखो दिस शोज हाउ मच यू गाइज आर इंटरेस्टेड, बिकॉज आप तो हैं यार, ठीक है, जो 300 बच्चे हैं ये तो पढ़ रहे हैं, बट देखो मैं ये कह रहा हूँ कि बाद में जो वो ज्ञान बांटने वाले लोग आते हैं उनकी कमी नहीं है अपने पास, अभी जब क्लासेज होती है तो करते नहीं है, ठीक है, बाद में अचानक से एक दिन ज्ञान बांटने आएंगे, पता है क्या कहेंगे, अरे सर वो करवा दो ना, वो रिवर करवा दो एक बार, जैसे उन्हीं के लिए बैठा हूँ बस मैं खाली, कि वो कब आएंगे और मैं कब पढ़ाना शुरू करूँगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है, यूट्यूब पे ना, दिस इज़ वेरी लाइक वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है यार, अभी रात में खा पी के अपना आराम से सोएं, बट ठीक है भाई, हम भी क्लास ले रहे हैं, मैं क्लासेस का टाइम थोड़ा अर्ली करूँगा सबका, मैं भी यार आराम से सोऊंगा चैन से। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये हिंदी भाषा में हमारे प्यारे छात्रों के लिए हो गया है, छात्रों एवं छात्राओं के लिए हो गया है। आफ्टर दिस ये हिंदी में सेम है जो मैंने अभी पढ़ाया,
इसके बाद हम बात क्या करेंगे, मैं बात करूंगा प्रयाग। इसमें देखो पंच प्रयाग बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है तुम्हें पढ़ने। ये पंच प्रयाग जो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा कहाँ से बनता है। ये हिंदी में वही बात है सारी, गंगोत्री से निकलती है, हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, यहाँ से दक्षिण की ओर बहती है, फिर दक्षिण पूर्व की दिशा में इलाहाबाद पहुँचती है जहाँ से यमुना नदी से मिल जाती है, राजमहल की पहाड़ी के पास दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है और दो भागों में फरक्का के पास दो भागों में बढ़ जाती है। बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा और वेस्ट बंगाल में भागीरथी और हुगली, है ना। मेघना कहते हैं कब, जब यही मुख्य धारा, ठीक है, पद्मा बांग्लादेश में बहती हुई किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो बस वही बात है, ठीक है, उसी को आगे पीछे करते रहो, हिंदी इंग्लिश करते रहो, टाइम पास होता रहेगा। ठीक है, एक बार लाइक भी कर दो यार, थोड़ी सी मेहरबानी कर दो, ठीक है, लाइक करने का। मतलब अच्छा लगेगा अगर आप कर दोगे तो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, अब पंच प्रयाग है जो इंपॉर्टेंट है। यहां से थोड़ा सा अपनी नजरों को चुस्त करना, ठीक है, मेरे से ज्यादा नींद में तुम लग रहे हो यार। अपनी थोड़ी आंखों को चुस्त करना और एक बार ध्यान से देखना, पंच प्रयाग है ना, इंपॉर्टेंट है पंच प्रयाग। देखो ये नदी मैंने बनाई है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या पर, अलकनंदा। वैसे गंगा हम बोल रहे हैं भागीरथी से उत्पन्न होती है, बट पहले अलकनंदा का देखो, अलकनंदा नदी निकली यहां से आ रही है। अलकनंदा के साथ पहली नदी जो मिलती है उसका नाम है धौली गंगा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा यहां मिली। जिस पॉइंट पर ये मिली आपको पता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। लिखो पहला पॉइंट लिखो विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग कहाँ है, जहां पर धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। यकीन मानिए यहां से सवाल आते हैं, यूपीएससी में नहीं, कोई भी एग्जाम है छोटा मोटा सब में एग्जाम ये सवाल आ जाते हैं। गंगा नदी से यही इंपॉर्टेंट है, एक तो उसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी, और दूसरा क्या है दोस्तों उसके पंच प्रयाग, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो फिर उसमें गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकल के जाके बंगाल, ये तो सब चीज़ सब जानते हैं, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तो गंगा नदी जो है यहाँ पे मैंने बोला अलकनंदा और धौलागिरी, ठीक है, ऊपर अलकनंदा है नीचे धौली गंगा, दोनों मिलती हैं कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। आगे बढ़ेगी अलकनंदा के नाम से, फिर ये अलकनंदा जो है आगे इससे कुछ और आके मिलती है। देखो एक नदी अभी इसका नाम है अलकनंदा क्योंकि मेन नदी अलकनंदा ही है, धौली गंगा कोई नहीं जानता। अलकनंदा आगे जाएगी, ठीक है, आगे आई अलकनंदा से धौली गंगा, यहां पे भी अलकनंदा ही नाम रखेंगे इसका। फिर अलकनंदा से एक और नदी मिलती है, देखो इधर से आके, ठीक है, ऐसे एक नदी और मिल जाती है, और इस नदी का हम नाम क्या देते हैं, नंदाकिनी। क्या नाम देते हैं दोस्तों, नंदाकिनी। ये नंदाकिनी नदी जहां पर अलकनंदा नदी से मिलती है उसको हम बोल देते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग। दूसरा पॉइंट लिखो, नंद प्रयाग ऐसा जगह है जहां पर आपका नंदाकिनी किससे मिलती है, अलकनंदा रिवर से मिलती है। ठीक है, डन है ये बात। दिस इज द सेकेंड प्रयाग जिसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग जहां अलकनंदा और धौलगिरी आपका धौली गंगा मिलती है, नंद प्रयाग जहां पर आपकी नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती थी। देखो ये भी एन नंदाकिनी, ठीक है, नंद प्रयाग और नंदाकिनी, ठीक है, विष्णु प्रयाग किससे, धौला धौल आपकी धौली गंगा से। उसके बाद में आगे ये जो चलेगा ना, आगे जो चलेगा इसको भी हम अलकनंदा ही बोलेंगे, ठीक है, यही नदी मेन नदी यही है ऊपर वाली। अब ये अलकनंदा नदी फिर से एक नदी के साथ मिलती है, ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, एक नदी फिर से आती है और ये नदी जो है इसका नाम है आपका पिंडर गंगा। क्या है, पिंडर गंगा। अब ये जो पिंडर गंगा और अलकनंदा यहां पर मिल रही है, एक अलग से फिर से प्रयाग बन रहा है, और इस प्रयाग को इस बार हम नाम दे रहे हैं कर्ण प्रयाग। क्या नाम दे रहे हैं दोस्तों, कर्ण प्रयाग, महाभारत के कर्ण जो है, कर्ण प्रयाग की बात यहां पे ध्यान रखोगे, कर्ण प्रयाग इसको यहां पे कहते हैं, ठीक है। कहां पे बोलेंगे कर्ण प्रयाग, जहां पर अलकनंदा नदी पिंडर नदी से मिलेगी। दिख रहा है साफ साफ बच्चों, देखो पूरा मैंने एनिमेट करके बनाया, बहुत टाइम लगा इसी वजह से थोड़ा मैं लेट भी हो गया हूँ, अभी जो क्लास लेट शुरू हुई ना इसी की वजह से हुई है, ये सब कलाकारियां कर करके देख रहा था मैं,
मैं कहा चलो थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाए क्या पता इनको, तो इसीलिए मैं कलाकारी कर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया था क्लास शुरू करने में। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है कि सर ऐसे ही मैं बहुत सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, ठीक है, वो तो मैं कई बार गुस्सा हो जाता हूँ, नाराज़ हो जाता हूँ, अलग बात है, क्योंकि नाराज़ भी उसी से हुआ जाता है जिनसे कुछ उम्मीदें होती हैं, है ना, थोड़ा प्रेम भाव होता है, मोहब्बत होती है थोड़ी सी, तो आप लोगों से थोड़ा सा है यार मेरा अटैचमेंट है, कनेक्शन है, ठीक है। सही बताऊँ मैं अपने मेरे परिवार से बहुत कम बातचीत होती जितनी आप लोगों के साथ में मैं संपर्क में रहता हूँ बराबर, ठीक है, वो कम बातचीत करते हैं, उनसे मेरी कम बातचीत हो पाती है आपसे ज़्यादा, तो मैं बहुत सोचता रहता हूँ कैसे चीज़ों को अच्छा किया जाए, क्या बेहतर बच्चों के लिए किया जा सके, है ना, तो ऐसा मैं बहुत सोचता हूँ यार, ठीक है, तभी हम चीज़ें करते हैं। तो ये अलकनंदा नदी मिलती है किससे, धौली गंगा से यहाँ पर, ठीक है, विष्णुप्रयाग नामक जगह पर। उसके बाद में अगर हम आगे चले तो नंदाकिनी मिलती है कहाँ से दोस्तों, अलकनंदा से, नंदप्रयाग। पिंडर गंगा मिलती है दोस्तों अलकनंदा से, इस नदी को बोलते हैं यहाँ पे, इस जगह को बोलते हैं विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग के बाद में भी ये नदी जो है कर्णप्रयाग के बाद में भी क्या रहती है, आपकी सेम वही अलकनंदा। अब अलकनंदा से कौन मिलेगी आके ऊपर से, ठीक है, यहाँ से कौन आ रही है, मंदाकिनी। अब इस जगह को क्या बोलते हैं जहाँ मिल रहा है, इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और अब आखिरी आ गया, चार प्रयाग हो गए, कौन से, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। अब लास्ट है आपका, पता है आपको दोस्तों क्या, देवप्रयाग। और वो कहाँ पे होता है, जब आपकी अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलेगी, और यही है भागीरथी जिसको हम गंगा नदी का प्राइम पार्ट बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो गंगा भागीरथी है, जब ये यहाँ पे मिलती है तो इसको कह देते हैं देवप्रयाग, और आफ्टर देवप्रयाग दिस रिवर इज नोन एज गंगा। क्लियर हुई बात, हाँ भाई बताओ, बात क्लियर हुई दोस्तों, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। हेलो सोनाक्षी, ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई बच्चों, पक्की बात है, आगे बढ़ जाऊं, अगर ये क्लियर हुई है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, और अगर क्लियर नहीं है तो भी बता दो तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा फिर, तो फिर यहीं से करेंगे कुछ जुगाड़ इसका और क्या। तो मेरे हिसाब से क्लियर है बातचीत, है ना, क्या है बातचीत, क्लियर है, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंचप्रयाग ये वही है जो अभी मैंने बताया, बस ये हमने टेबल उसमें बना दिया। देवप्रयाग एक जगह है जहां पर भागीरथी और क्या मिलती है, अलकनंदा। रुद्रप्रयाग वहां है जहां मंदाकिनी किससे मिलती है, अलकनंदा। अब ये डायग्राम देखने के बाद ना अच्छे से मुझे नहीं लगता तुम्हें ये याद करने की जरूरत पड़ेगी, ये दिमाग में बिठा लो या बना लो कॉपी में, नोट्स बनाओ तो उसमें बना लेना, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुमने नहीं बनाया ना तो दैट मीन्स यार फिर बात बनेगी नहीं, अगर सही बता रहा हूँ, अगर तुमने ये नहीं किया तो, और अगर ये कर लेते हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ओके। चलिए तो ये वही चीज़ है पंचप्रयाग जो मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है, फोटो खींच लो, खींचनी है तो। अब आगे हम बढ़ रहे हैं दोस्तों यमुना नदी के बारे में। अब देखो यार, गंगा की ना एक ही मस्त सी मतलब पार्टनर है, मतलब सहायक नदी है, जिसका नाम है यमुना, है ना। वैसे तो कई सारी सहायक नदी मैंने पढ़ाई तुम्हें, बट यमुना जो है वो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, में से एक है। अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें बताना चाहूँगा कि गंगा नदी जो है उसकी सहायक नदी जो यमुना है ना वो कैसे है। चलिए तो यमुना की बात करते हैं, तो यमुना नदी जो है ना वो भी आपका कुछ इस प्रकार से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ये भारत देश है तो ऐसे ओरिजिनेट होती है यमुना, ठीक है। यहाँ से उत्पत्ति जहाँ से होती है वहाँ पर एक ग्लेशियर है, एंड दैट ग्लेशियर इज नोन एज यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुना नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, यमुनोत्री, हाँ जी, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। तो ये ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री से हो गई। आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर ये ऐसे बहती है और यहाँ पर आकर, ठीक है, प्रयागराज बोलते हैं, इलाहाबाद बोल दो, अभी प्रयागराज बोलते हैं, और यहाँ पर ये किससे मिल जाती है दोस्तों, गंगा नदी से, ठीक है, यहाँ पर ये गंगा नदी से मिल जाती है। अच्छा, इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जिसको हम देखेंगे। अब इसमें भी अगर ये नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, ऐसे, तो कुछ तो इधर से मिलेंगी जिसको हम लेफ्ट बैंक बोल लेंगे, कुछ इससे इधर से जिसमें राइट बैंक, इसमें राइट बैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे राइट बैंक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिवर जो मैं बोलूँ तो ये रही दोस्तों, जिसका नाम है चंबल, ठीक है, क्या नाम है, चंबल। सबसे पहली जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में इंपॉर्टेंट रिवर है,
चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है, यहीं पे घड़ियाल पाया जाता है चंबल, ठीक है। चंबल में क्या पाया जाता है? घड़ियाल। बताइए अमन अमन जी, क्या पूछना है आपको? ठीक है बताइए, कोशिश तो करता हूँ दोस्त मैं सबके डाउट लेने की, सब चीज़ें बताने की, प्रयास मेरा पूरा रहता है, परंतु क्या होता है ना, कई बार देख नहीं पाते यार, तो हम उसमें फिर क्या करें। बताइए। सुमित 10 खास है, बाकी तुम समझदार होई। आज अपना प्लस कोर्स आ रहा है, ठीक है, प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है 11 तारीख से और 13 तारीख से, फुल 2022 और 23 के जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं जीएस प्रीलिम्स की, वो इससे जुड़ सकते हैं। आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, बस मेरी मेल आईडी पे मेल करना है, जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है। मेल आईडी है मेरी sumitrathi3@gmail.com। अब बस इस पे मुझे क्या करेंगे, मेल करेंगे, फिर करते हैं बातचीत, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इस पे आप क्या करेंगे, मुझे मेल करेंगे, ओके, ये नोट कर लो, मेल आईडी बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो, यमुना नदी है, इधर से गई कौन, चंबल, चंबल मिली इससे, ठीक है। चंबल के बाद में दूसरी नदी है, चंबल के बाद है मंगल, नहीं भाई मंगल नहीं है, इसका नाम है सिंध, ठीक है। कौन सी नदी है, सिंध कह दो या सिंधु कह दो, सिंधु भी कहते हैं इसको, सिंधु या सिंध है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और नदी है यहां से मिल रही है, इस नदी का नाम क्या है, बेतवा, ठीक है। सिंध, सिंधु नहीं कहते, सिंध ही कहते हैं। उसके बाद एक नदी है बेतवा, चंबल सिंध बेतवा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या है, केन, ठीक है। तो ये आप यमुनोत्री के बारे में, यमुना के बारे में याद रखोगे। अच्छा ये मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि सीक्वेंस भी याद रहे, आपसे पूछ ले, मान लो केन बेतवा सिंध और चंबल, आपसे बोल दे ईस्ट से वेस्ट में लगाओ तो लगा दोगे भाई, सबसे ईस्ट में ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये वेस्ट में सबसे क्या है, चंबल, ईस्ट में सबसे क्या है, केन। तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इसीलिए मैंने ये कार्यक्रम बनाया है, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। बिल्कुल मिलेगी तुम्हें लाल बत्ती, टेंशन ना लो। तो ये समझ में आ रही है यमुना नदी की बात, है ना। तो देखो कई टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, दैट्स वाई मैं इसको इस प्रकार से, आज मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, ठीक है, मैं यही कलाकारियां खर खर के देख रहा था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं यमुना नदी से भी। अब यमुना नदी जो है सबको पता है दोस्तों, देखो ये गंगा नदी है, अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, यहां से देखो ये आ रही गंगा, ऊपर से दिख रही है, अब किस किस को नहीं दिख रही है बताओ, ये आ रही देखो ऊपर से गंगा, ये आ रही है ऊपर से, है ना, यहां से आ रही है ये गंगा, ये आपकी जो है भागीरथी, ये अलकनंदा मिल गई ऐसे ऐसे, देखो नीचे यहां पर दोनों नदियां मिल रही है, यमुना नदी आ रही है ऊपर से, फिर देखो इसी के पास से ये आ रही, और यहां पर जाके दोनों मिल गई। तो यही वो जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका प्रयागराज। अच्छा उत्पन्न कहाँ से होती है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है यमुनोत्री के पास, जिसका नाम है बंदर पूंछ, ठीक है, हिंदी में इसको बंदर पूंछ कह देते हैं, ठीक है। तो बंदर पूंछ की रेंज जो है यहाँ से उत्पन्न होती है, तो इट बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द बंदर पूंछ रेंज, यहाँ पे लिखा हुआ है बंदर पूंछ से उत्पन्न होती है आपका। अगर वैसे मैं आपको बताऊँ तो आप इजीली यू कैन सी दैट, आप बहुत आराम से देख सकते हो, ठीक है, बंदर पूंछ ग्लेशियर से निकल के नीचे आ रही है एंड इट मर्ज विद दिस। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक डीप जॉर्ज भी काटती है शिवालिक में, उसके बाद ये साउथ वेस्ट में बहती है और फिर गंगा नदी के मैदान में प्रवेश करती है, कहाँ पर दोस्तों, आपका पौंता साहिब, ठीक है, पौंता साहिब जो है इस जगह में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, उसके बाद ये आगरा तक बहती है और फिर ये साउथ ईस्ट में मुड़ के आपका गंगा से मिल जाती है इलाहाबाद में, ठीक है। क्या कह रहा है, ऐसे आई साउथ ईस्ट में बहेगी 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 बहेगी, फिर आगरा के बाद में अचानक से ईस्ट में मुड़ के और फिर फाइनली इलाहाबाद में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। ये है यमुना नदी की कहानी। अब यमुना नदी की कहानी जो है, एक कहानी है जो मुझे सुनानी है, तुमको मैंने सुना दी है,
अब बात क्या करेंगे दोस्तों, ये हिंदी भाषा वाले छात्रों के लिए, कि गंगा की दाहिने नदी किनारे वाली सहायक नदी होती है ये, आपका बंदरपंच रेंज से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, शिवालिक में गहरी खाई को काटकर ये दक्षिण पश्चिमी की ओर बहती है और पावटा साहिब में गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है, आगरा तक दक्षिण की ओर बहती है और उसके बाद में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। मैंने अभी तुम्हें बढ़ाया, राइट बैंक का मतलब क्या है, जो दाहिने, राइट का मतलब है जो दाहिने ओर से मिलती है, जैसे मान लो ये नदी थी, ठीक है। कला का बेहतरीन प्रदर्शन तो मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम कहोगे कि सर रुक जाओ बस, हम और नहीं देखना चाहते। मैं आज थोड़ा सा ना क्या है ना, नींद में हूं। तुमने वो गाना सुना है, चीज बड़ी है मस्त मस्त, सुना है तुमने? मेरे को सुना दो, अगर सुना है तो मैं, नींद थोड़ी दूर हो जाएगी मेरी। हम पहले बात कर रहे थे किसके बारे में, भाई गंगा, ठीक है। उसके बाद ये ई हमार का हो गई, ई हमार यमुना हो गई, ई हमार यमुना, ई हमार गंगा, यमार गंगा यहाँ से निकलती है, जिसको बोलते हैं हम क्या, आपका यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुंछ के पास है, यमुनोत्री बंदरपुंछ। राइट बैंक से मतलब इधर से कौन सी मिलती है, तो हमने देख लिया इधर से मिलने वाली पहली नदी है चंबल, दूसरी क्या थी सिंध, तीसरी क्या थी केन, है ना, और उसके बाद क्या थी दोस्तों बेतवा, और लास्ट में क्या थी केन, ये तो पढ़ा था हमने, है ना, चंबल सिंध बेतवा केन, तो ये सब तो क्या है राइट बैंक। राइट बैंक में देखो तोन चंबल सिंध बेतवा और केन, ठीक है, तोन भी है एक, ये तो सब क्या है राइट बैंक। अब लेफ्ट बैंक की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट बैंक में भी कई छोटी छोटी चुरकुट नदियां हैं, जैसे हिंडन, सारदा, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन या दिल्ली से जाते हैं ना, जब गाजियाबाद पे वहां पड़ता है हिंडन, सारदा नदी, वरुणा नदी और गिरी नदी, छोटी छोटी नदियां हैं सारी, ठीक है। दिस ऑल रिवर्स आर स्मॉल रिवर, सिमोल नदियां हैं, ठीक है, सिमोल नदी है सारी की सारी, तो ज्यादा एक काम की भी नहीं है भाई। बच्चे बच्चे भी सुना है, नहीं यार बच्चे बच्चे नहीं सुना मैंने, ये कौन सा है, ये कौन सा गाना है यार, सही में नहीं सुना मैंने। तुम सुनाओगे सुन लेंगे यार, अंकित बोल रहे हैं कि प्रणाम प्रणाम भाई प्रणाम, दिस इज योर फर्स्ट लाइव क्लास। अरे यार कहाँ था तू, मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था यार तेरे को। हैं भाई कहाँ था यार तू, मैं इतनी दिन से तुम्हें ढूंढ रहा था, बता। सर आपने दया से मैं कला, अच्छा मेरी दया से कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने लग गए आप, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसा अगर कोई करने लग गया तो मतलब ये तो जबरदस्त बात है यार, ये तो फिर बंदरपुंछ बात है एकदम। क्या हम्म
चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट बैंक राइट बैंक होगी अपनी, चलो ये भी खत्म। अब गंगा की कुछ और ट्रिब्यूटरी हैं, गंगा की कुछ और सहायक नदियां हैं, जैसे रामगंगा नदी। रामगंगा मैंने अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, याद है? नहीं याद होगा सर, ऐसे तुम याद नहीं करते ना फिर मेरा दिल सा टूट जाता है, सही बता रहा हूँ। ये पढ़ाई थी ना अभी मैंने, तुम्हें नहीं पढ़ाई थी? अभी बताओ, ये गंगा नदी, ये रामगंगा, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये अच्छा ये तो यमुना नदी बता दी मैंने। ओहो आज तो हम भी बुड़बक हुई गवा रहे, हम बुड़बक हुई ले ले, ले बाबा ओ ले ले बाबा। ये आपकी गंगा नदी बह रही है भाई, गंगोत्री ग्लेशियर बे ऑफ बंगाल, यहाँ बताया था पहली यमुना, यमुना के बाद क्या बताया था गोमती, गोमती के बाद क्या बताया था दोस्तों आपका घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोशी, कोशी के बाद महानदी, उसके बाद नीचे स्टार्ट हुआ था यमुना सोन दामोदर, ठीक है। अब इसी की मैं बात कर रहा हूँ, देखो अब इनमें से ना कुछ कुछ नदियाँ हैं जो आपको मैं बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी दोस्तों, गंगा नदी की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम रामगंगा नदी। अच्छा रामगंगा लेफ्ट बैंक होगी राइट बैंक होगी बताओ, ठीक है रामगंगा नदी जो है वो हमारी लेफ्ट बैंक होगी या राइट बैंक, जो बताएगा उसको सही नाम दूंगा मैं, सही बताएगा उसको इनाम दूंगा। इनाम में क्या मिलेगा? बढ़िया सी नींद, ठीक है आप सो पाओगे अच्छे से जाके, आपको बढ़िया नींद आने का आशीर्वाद रहेगा मेरा, ठीक है। सर वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, सोनाक्षी तिवारी ये भी समय आने बताएंगे। बाकी अगर आप देखना चाहती हैं तो मेरी दो क्लास है ऑलरेडी पड़ी हुई है अपने इस पर, एक तो है ओशियन करंट की और एक क्लास है मेरी वेस्ट उस पे, अरे विंड सिस्टम के ऊपर, प्लेनेटरी विंड्स के ऊपर। ये दो क्लास आप देख लो तो सब समझ में आ जाएगा, ये देखनी पड़ेगी तुम्हें खुद से, ठीक है। दो क्लास अगर देख लोगे समझ में आ जाएगा। रामगंगा रिवर जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लेफ्ट बैंक मतलब लेफ्ट से आके मिलती है गंगा नदी से। ये कुमाऊं रेंज जो है, कुमाऊं रेंज याद है तुम्हें? कुमाऊं रेंज याद है? अरे कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ तक होता था बताओ, जरा देखूँ तो मैं, कौन बताएगा मैं देखता हूँ, कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? चलिए देखते हैं कितने बच्चे हैं जो सही बताते हैं। हिमालय के किस हिस्से को कुमाऊं हिमालय कहते थे? याद करो मैंने रिवर के सिस्टम के हिसाब से भी हिमालय का डिवीज़न किया था, यहाँ पता चल जाएगा कौन कितना पढ़ रहा है और कौन कितना नहीं पढ़ रहा। ज़्यादातर तो मुझे पता है वही तीन तलाक वाली बात आने वाली है कि जी हमें नहीं पढ़ना, हमारे टीचर थे वो ऐसे कहते थे वो भैंस के फूफा, मतलब सोचो एक तो भैंस इतनी डम होती है और ऊपर से भैंस का फूफा होना मतलब कितनी उपाधि वाली बात है, अपने उसमें अपने आप में बहुत सम्मान वाली बात हो जाती भैंस का भी फूफा होना। तो कई बच्चे जो तुम कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ लिखते हो ना तो मुझे लगता है कि भैंस के फूफे वाली बात हो रही है। यहाँ पर ध्यान दो, मैंने बताया था यहाँ से एक नदी जाती है अपनी, एंड दिस नदी इज नोन एज वन एंड ओनली इंडस। आफ्टर इंडस देयर इज अ डिफरेंट रिवर दैट इज नोन एज सतलज, आफ्टर सतलज हियर इज अ नदी दैट इज नोन एज काली, आफ्टर दैट हियर इज अ नदी विच इज नोन एज तिस्ता, आफ्टर दैट देयर इज अ नदी जिसको हम क्या बोलते हैं दिहांग, याद है आपको? जिसको याद नहीं है ना थोड़ा सा शर्म कर लो और ऑक्सीजन में ही अपनी नाक डुबो लो आज, तुम्हें मैं चुल्लू भर भी पानी नहीं दूंगा क्योंकि मैंने खुद पढ़ाया हुआ था तुम्हें। ये जो हिमालय होता है इसको बोलते हैं हम असम हिमालय, ये जो हिमालय होता है ना इसको बोलते हैं नेपाली हिमालय, नेपाल हिमालय, ये जो भाग है ना प्यारे बच्चों इसी को बोलते हैं कुमाऊ हिमालय। तब तो उस दिन बड़े कह रहे थे सर कुमाऊ पूत है, कमाऊ पूत है, कमाऊ ये है, दिस इज द कुमाऊ हिमालय एंड दिस रेंज इज नोन एज, इसको क्या बोलते थे पंजाब। तो सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं कुमाऊ हिमालय। इसी कुमाऊ हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा नदी निकलती है उत्तराखंड में। ये नदी जो है वो कन्नौज, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज, जिला है कन्नौज, कन्नौज जिला, कन्नौज जिला, कन्नौज पान रख के मुंह कर जिला कन्नौज है भाई, मुंह में पान हो तो कैसे बोलोगे कि जो गंगा नदी है भैया जिला कन्नौज के पास हमार गंगा नदी से मिल जाता है, ऐसे बोलेंगे ना। तो ये
जो गंगा नदी से मिलती है कहाँ पर, कन्नौज उत्तर प्रदेश। कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाता नहीं हूँ लेकिन मैं पूरी फीलिंग ले जाता हूँ, ठीक है। ये तो मैं मास्टर बन गया, नहीं तो मैं कहीं एक्टर होता कोई, है ना, दो तीन फिल्म फेयर जीत चुका होता हूँ अभी। क्या लगता है तुम्हें? है भाई, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कई बार फुल फील ले जाता हूँ मैं। अब अगली बात करेंगे हम गोमती नदी के, गोमती नदी की बात करेंगे। गोमती नदी जो है ये भी लेफ्ट बैंक है, क्योंकि रामगंगा के जस्ट बाद थी गोमती, याद करो, उसमें ऐसे जा रही थी तो पहले रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती। गोमती जो है दोस्तों ये आपका पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट जो है ना उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहाँ से निकलती है। गाजीपुर जगह है गंगा उत्तर प्रदेश में ही, वहाँ पर जाकर। अच्छा ये बात याद रखना, इन नदियों में बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन कौन सी नदी गंगा से कहाँ मिलती है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि गंगा से मिल रही है ना, गंगा से मिलके सब पवित्र कर देंगे गंगा जल, है ना भाई, सब पवित्र कर देंगे गंगा जल। तो इसलिए गंगा नदी से मिलते ही सब पवित्र हो जा रही है, तो गंगा नदी से कहाँ मिलती है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, सहायक नदी है। ये भी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मिलती कहाँ है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, उससे मिल जाती है दोस्तों। बट उससे पहले ये लखनऊ और जौनपुर से होके बहती है। अब भैया लखनऊ और जौनपुर से यही नदी जाट है, गोमती बोलता गोमती। अरे आज बॉलीवुड फील नहीं है, आज ऐसा है ना नींद आ रही है मुझे, ठीक है। आज मैं ना पूरे दिन से मैंने खाना नहीं खाया था, मतलब मैं काम कर रहा था तो भूल जा रहा था, मतलब खाना खाया नहीं था। अभी 7 बजे 7:30 बजे आके ऐसी हालत हो गई थी कि काम कर ही नहीं पाता मैं, ठीक है, ऐसे। और खाना वाना बनाने का और ऐसे कुछ बाहर, मेरा पेट ख़राब चल रहा है, मतलब कुछ भी खाता हूँ पेट में दर्द हो जाता है, फूड पॉइजनिंग, बाहर का खा नहीं सकता। तो फिर किसी चहेते आदमी ने भाई भरपेट खाना खिलाया तो मैं भावुक हो गया, पनीर की सब्जी, ओहो हो, रोटी, ओहो हो, सलाद, ओहो हो, लस्सी छाछ जिसको बोलते हैं हरियाणा में, ओहो हो, वो खाते ही ना मेरे को नींद आने लगी, ठीक है। मैं सोच रहा था यार सो जाऊं, फिर मेरे को हमारे महादेव की बात याद आ गई, सुनील सर की, इन्होंने क्लास रखवा रखी है, कह रहे बच्चों को हम गाइड करेंगे रात में। मैं कहा जी रात में छोड़ दो, ये रात में सोने वाले आदमी है, पर रात में कहाँ गाइडेंस दे रहे हो इनको, ये कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ पूछेंगे उल्टा सीधा। कह रहे नहीं सुमित सर करेंगे। मैं कहा जी महादेव का जो आदेश हमें तो मानना पड़ेगा, ठीक है, हम तो नंदी टाइप हैं भाई, भूतनाथ हैं हम तो, है ना भाई। तो मैं कहा आओ महादेव, तो अभी आएंगे तो उनके साथ में अभी एक सेशन और करना है तुम्हारे साथ बातचीत। तो ये बॉलीवुड स्टाइल नहीं, नींद आ रही है, ठीक है। मैं रोटी खा के ना मैं तृप्त सा हो गया हूँ, ठीक है, कई दिनों में एक तो मैंने रोटी खाई आज, ठीक है, वो भी मेरे किसी चाने वाले ने खिला दी, भगवान भला करे उसका, भगवान भला करे। मिमिक्री करके, हाँ यही करता रहा हूं मैं, मिमिक्री कर दो, हिंदी में लिख दो, अभी थोड़े दिन बाद हिंदी वाले भी आएंगे, सर 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 ये हिंदी में बताओ क्या बोल रहे हो, फिर थोड़ी देर में पीडीएफ वाले आएंगे, सर पीडीएफ दे दो, मैं इन्हीं चीजों में लगा रहा हूं, है ना, है भाई। होगा होगा होगा, ठीक है, खेताराम होगा यार, अभी आएंगे, अभी इस क्लास के जस्ट बाद जुड़ रहे हैं, ये क्लास कर लेने दो यार, इसके बाद जुड़ रहे हैं, ठीक है, अभी ख़त्म कर देता हूँ मैं, रुक जाइए बस, मुझे 5 मिनट दे दीजिए। आप अगर ज्योग्राफी से दुखी हो गए हैं तो अभी शुरू कर देते हैं, ठीक है। गोमती नदी के बारे में हो गया, ये हिंदी में है रामगंगा और गोमती। उसके बाद है घाघरा, ठीक है, हरियाणा में घाघरा बड़ा फेमस है भाई, घाघरा नदी, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपका। ये कहाँ से निकलती है, ये मापचाचुंग ग्लेशियर तिब्बत के अंदर है, ये भी मतलब ये भी लंबी नदी है यार, मापचाचुंग ग्लेशियर तिब्बत, बहुत बड़ी बात है, मतलब दूर है। और इसको यार नेपाल में एक दूसरे नाम से जाना जाता है, काली कर्णाली, याद है मैंने काली नदी लिखी, तो वास्तविकता में वो घाघरा ही है। ये गंगा आपकी गंगा से कहाँ मिलती है, छपरा, छपरा तो पता होगा ना, बिहार, छपरा। शारदा नदी एंड राक्ती रिवर जो है ये घाघरा की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है,
तो याद रखना इंपॉर्टेंट है घाघरा नदी भी। उसके बाद शारदा नदी जो है ये मिलाम ग्लेशियर है, ये आपका ग्रेट हिमालय नेपाल से निकलता है, ये इंडो नेपाल बॉर्डर से होती हुई निकलती है, और फिर आपका बारमोदेव ये रिवर जो है इसको डिफरेंट नाम से जानते हैं, कहीं पे काली कहते हैं, कहीं पे शारदा कहते हैं, कहीं पे खेरी कहते हैं, कहीं पर चौका कहते हैं इस नदी को। ये नदी जो है ये आपका घाघरा से जाकर मिलती है कहाँ पर दोस्तों, आपका ब्रह्म घाट, कहाँ पर मिलती है ब्रह्म घाट के पास में मिल जाती है। ये हो गया लास्ट जो है हमारे पास वो है गंडक नदी, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी ग्रेट हिमालय नेपाल से निकलती है, इसको कल्याणी नदी नाम से जानते हैं नेपाल में, और ये गंगा से सोनपुर के पास मिलती है। ये कहाँ पर है, पटना बिहार के पास सोनपुर। देखो जो नदी कहाँ मिलती कहाँ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिलने पर जोर देना है। दामोदर नदी ये छोटा छत्री के पठार से उत्पन्न होती है और इसका ड्रेनेज सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज है छोटा छत्री का, यहाँ से निकलती है दोस्तों और ये ईस्ट की डायरेक्शन में बहती है झारखंड की तरफ, ये एक रिफ्ट वैली से होके बहती है दोस्तों। ये गंगा से राइट बैंक मिलती है दोस्तों हुगली नदी से, नियर फुलता, फुलता नामक जगह वहाँ पे मिलती है। बारकार नदी जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट नदी है, दामोदर की इंपॉर्टेंट नदी है बारकार, सहायक नदी, ठीक है। ये हमारा हो गया, अब आगे बात करने वाले हैं हम दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी भी देखो यहाँ से निकलती है, ये देखो ये निकली, ठीक है, ऐसे निकल के ऐसे आ गई, देखो मैंने यहाँ से निकाल के भी दिखा दी, देख क्या ऐसे जाती है, दिखा देगा तुम्हें कोई ऐसे, ठीक है, ऐसे निकल के ऐसे जाती, देखो फिर दिखाऊं, ऐसे जाती है। तो ये आपका चोंग मांग युंग दुंग ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है चेम यांग दुंग। अगर सोचो तुम चाइना में होते तुम्हें ऐसे ऐसे नाम पढ़ने पड़ते, तो मैं सोच रहा हूँ कि आधे बच्चे तो इन फेल हो जाते हैं। थैंक यू अमित सिंह यार, थैंक यू, इट्स मीन लॉट टू मी, थैंक यू वेरी मच। आधे नाम तो ये आधे बच्चे तो बेचारे नाम पढ़ने में फेल हो जाते, ठीक है, कैसा नाम है देखना, अरे कोई आराम छोटा ना आसान सा नाम रख लेते हैं यार। इंडिया में देखो कैसे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री कितने आसान, देखो चेम यांग दुंग ग्लेशियर तो यहाँ से निकलती है और ये बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा इसमें भी कुछ बातें हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में भी, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कल करा देंगे ब्रह्मपुत्र को और पेनिनसुलर रिवर को ना, कल इसको भी लपेट देंगे, पहले ब्रह्मपुत्रा को लपेटेंगे और बाकी फिर नदियों को भी कर लेंगे। सो अभी सुनील सर कर रहे हैं वेट, महादेव हमारे, तो एक बार मिलते हैं उनसे, ठीक है, ज्वाइंट सेशन के अंदर में आपसे रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ उनकी सुनोगे कुछ मेरी सुनोगे। बाकी उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों सारे बच्चों को, मेरा प्लस कोर्स आ रहा है, ठीक है, 13 तारीख से हम लॉन्च कर रहे हैं, तो जिन बच्चों को जुड़ना है आप मेरे साथ मेरे को मेल कर सकते हैं sumitrathi3@gmail.com, यहाँ पर आप मुझे मेल करके बताएंगे, ठीक है, जिस बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस हो चाहे आपका आइकॉनिक हो, दोनों में आप मेरा कोड यूज़ करेंगे। मेरा कोड क्या है, sumit10, ठीक है, sumit10 कोड रहेगा, लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स और आइकॉनिक के अंदर पर्सनल गाइडेंस, दोनों में से आप ले सकते हो, जो भी आपको ज्वाइन करना है यू कैन कम एंड ज्वाइन। ये GS की फीस है, आप जब भी मेरा कोड लगाओगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, यू विल यूज माय कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड साथ साथ मेरा गाइडेंस, चाहे प्लस में हो चाहे आपका आपका ऑप्शनल में है या आपका आइकॉनिक कॉम्बो भी आता है। कॉम्बो के अंदर क्या होता है, कॉम्बो के अंदर में GS प्लस ऑप्शनल दोनों एक साथ होते हैं, तो उसके अंदर में भी आप चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, सुनील सर के साथ आपके गुरुकुल गाइडेंस प्रोग्राम में। तब तक के लिए वीडियो लाइक करके जाना, सजाए मौत है तुम्हें, चलते पंखे में गर्दन दे दूंगा तुम्हारी मैं, ठीक है ना, चलो सब फटाफट। और सुनो कमेंट बॉक्स अभी एक्टिवेट हो गए तो सबको लिखना है ओके की रिपोर्ट है, ठीक है, sumit10 खास है, बाकी तुम समझदार हो, क्या लिखना है फटाफट लिखना सबको कमेंट बॉक्स में, क्या लिखोगे, sumit10 खास है, देखो बाकी तुम समझदार हो तुम्हें पता है क्या लिखना है। चलिए अभी मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।